नमस्कार, मैं हूं एसएस पांडे। सबक्रियर में आप सभी का स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के मुगराबाद शाहपुर डाकघर की शिकायत लगातार पोस्ट मास्टर जनरल वाराणसी को मिल रही थी। शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए पोस्ट मास्टर जनरल ने औचक निरीक्षण डाकघर मुगराबाद शाहपुर का किया। ज्ञात हो कि गत महीने पहले भी डाकखाना परिवार के एजेंटों द्वारा पोस्ट मास्टर जनरल को शिकायत दर्ज कराई थी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तमाम खामियां पाई। खामियों को देखकर पोस्ट मास्टर जनरल ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि गलत सारी कार्यप्रणाली बंद हो, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सबक्रियर से बातचीत के दौरान पोस्ट मास्टर जनरल ने कहा कि दुर्व्यवस्थाओं की जांच कराई जाएगी। जांच चल करके आए हुए हैं पोस्ट मास्टर जनरल मिस्टर फलोह जी, आप यहाँ पर आए डाकखाना मुगराबाद शाहपुर में। आज ऐसी क्या समस्या आई जहाँ पर डाक अधीक्षक स्वयं विजिट करने में कतराते हैं, वहाँ पर पोस्ट मास्टर जनरल वाराणसी से चल करके आए हैं? क्या दिक्कत है यहाँ पर सर? क्या समस्या आपने रियलाइज किया सर? रूटीन विजिट मेरा है जी, रास्ते से क्रॉस कर रहे थे, हमने विजिट किया है जी। कुछ इश्यूज यहाँ पर है जो हम लोगों ने देखा है, उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे बहुत जल्दी। यहाँ पर आए दिन सर्वर की प्रॉब्लम है जिससे उपभोक्ता बहुत परेशान और हैरान है। को डिप्यूट कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ठीक करेगा इसको। जिले का टॉप मोस्ट बिजनेस देने वाला मुगरा बादशाहपुर ये आपकी शाखा है। यहाँ पर आए दिन जब उपभोक्ता आते हैं या तो उनको ये कह के हटा दिया जाता है कि हमारे पास समुचित स्टाफ की व्यवस्था नहीं है, या तो ये कह के हटा दिया जाता है कि यहाँ सर्वर की समस्या है। क्या अधिकारी यहाँ पर समुचित व्यवस्था में नहीं है सर? ये सारा चीज सॉर्ट आउट हो जाएगा, एक हफ्ते के अंदर सारा चीज ठीक हो जाएगा। पानी की दुर्व्यवस्था यहाँ पर है ये सर, देख लेते। टॉयलेट की एकदम समुचित व्यवस्था नहीं है सर। रेंटेड बिल्डिंग है, हम लोग कर रहे हैं कुछ अधिकारी, हम अपने वर्किंग को ठीक कर ले सर। जो अधिकारी यहाँ पर हैं, जो आपने पोस्ट कर रखे हैं, उनके अटेंडेंस लगते हैं वो, पर यहाँ उनकी उपस्थिति नहीं रहती, ये बहुत बड़ा तीखा प्रहार है व्यवस्थाओं को लेकर के। इंक्वायरी की बात है, इंक्वायरी हो रही है, इस पर एक्शन हो जाएगा। क्या मान लिया जाए कि सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी सर? कितने दिन में अपडेट हो जाएंगी? क्या इसके लिए कुछ आश्वासन देना चाहेंगे? कोशिश करें वन वीक के अंदर सारा चीज ठीक कर। कुछ कहना चाहेंगे आप राजू जी? नहीं आज सर, एक मिनट सर, आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं, आपने एक हफ्ते का आश्वासन दिया है, और इतने सक्षम अधिकारी अगर मुगराबाद शाहपुर की शाखा में आए हैं तो मुझको पूर्ण विश्वास है कि इतने बड़े अधिकारी का जब आश्वासन है तो निश्चित तौर पर एक हफ्ते में ये अपना स्वरूप दिखा देगा। जहाँ पर मूल समस्या जो है सीटिंग बैठने की व्यवस्था नहीं है, और जहाँ पे उपभोक्ता खड़ा होता है वहां पे फैन नहीं चलता है, पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है। और जो अभी हमारे राम कुमार जायसवाल जी ने बताया कि यहाँ पे कुछ स्टाफेज ऐसे हैं, कुछ स्टाफ वाले ऐसे हैं जिनका अटेंडेंस लगता है लेकिन वो बैठते नहीं हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ, ये केंद्र सरकार को बदनाम करने की साजिश है। सरकार ने पूरा बजट दिया है, एनएससी बीपीपी जो भी सेविंग का अकाउंट है भरपूर पैसा दिया जाए, लेकिन कुछ स्टाफों के नाते सरकार को भी बदनामी का शिकंजा देखना पड़ता है। सर एक चीज ये बताएं, रिटेल में जो भी फीडबैक है आपका, क्या सारे संसाधन के लिए जो पैसे दिए जाते हैं क्या वो पैसे यहाँ तक आके लगते नहीं सर? ये इंक्वायरी का विषय है, अभी हम लोग जिस काम के लिए आए थे देख लिए हैं, हमने आपको आश्वासन दिया एक सप्ताह के अंदर आपको। सर विगत कई सालों से रो रहा है ये डाकखाना सर, एक सप्ते का। मैं हूँ राम कुमार जायसवाल, आज हम चल करके आए हुए डाकखाना मुगरा बादशाहपुर। यहाँ की तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर के हमेशा जनता हमेशा उसको लेकर के आक्रोशित रहती है, और खबरों के माध्यम से वो सारे समाचार ऊपर के अधिकारियों तक जाते भी हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमेशा 0/0 रहता है। आज उसी को लेकर के पोस्ट मास्टर जनरल औचक निरीक्षण में आए हुए हैं, औचक विजिट करने के लिए आए हुए हैं, और ग्राहक उनके खड़े हैं डाकखाना के परिवार के। आइए हम जानते हैं कि इनकी समस्या क्या है, कितने दिनों से ये यहाँ पर दौड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या क्या समस्या है आपको? समस्या यही है सर कि हम 25 दिन से यहाँ दौड़ रहे हैं, पापा की तबीयत खराब है, मम्मी की भी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन इलाज नहीं करा पा रहे। अब पैसे से यहाँ पैसा नहीं दे रहे, 25 दिन से हमारे लोन नहीं पास कर रहे हैं हम लोग, और जब आते हैं सर कहीं नेटवर्क नहीं है, कहीं कोई नहीं, कुछ यही सब होता है। आपके अपने खाते से आपको लोन चाहिए? जी नहीं, पापा खाते से। पापा खाते से? वो आपको 25 दिन से लगातार दौड़ा रहे? जी 25 दिन से हम यहाँ दौड़, हमारे लोन नहीं पास हो। क्या क्या कह करके आपको यहाँ से वापस करते? कहीं नेटवर्क नहीं रहता, कहीं साहब नहीं रहते, यही होता है साहब। हम पैसा नहीं दे रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे हैं। ये हमारा खाता मेरा पूरा हुआ है सितंबर पूरा हुआ, खाता खोलो, खाता खोलो, खाता खोलने के फॉर्म दिए तो एक महीने बाद खाता खुला।
उसमें आप पैसा डाउनलोड कर रहे हैं, पैसा भी नहीं है, नेटवर्क नहीं है, नहीं दौड़ा रहा है आपकी। आए दिन यहाँ 100-200 की भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। और ये डाकखाना अगल बगल क्षेत्रों से जुड़ा हुआ डाकखाना है, मुगरा बादशाहपुर इंडस्ट्रियल एरिया में आता है और यहाँ बहुत सारे लोग का खाता है, हर बड़े छोटे निचले तबके लोगों का सबका खाता है। लेकिन समस्याएं यहाँ पर जिस तरीके पनप रही है और अधिकारियों के संज्ञान में आने के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है, न तो यहाँ शुद्ध पीने का पानी है, न तो शुद्ध शौचालय की व्यवस्था है। ये शायद जनरेटर खड़ा हुआ है, मैं अपने कैमरामैन साथी से चाहूंगा दिखाएं, जरा सर दिखाएं, ये जनरेटर यहाँ से देखने के लिए बना हुआ है, ये चलता नहीं है, ये जनरेटर चलता है जिसकी आवाज से यहाँ पर उपभोक्ता यहाँ पर ठहर नहीं सकता है। इस तरीके की तमाम समस्या है, अधिकारियों का अटेंडेंस लग जा रहा है लेकिन अधिकारी यहाँ पर काम के वक्त नहीं रहते हैं। इस तरीके की भारी अनियमितता का सामना कर रहा यहाँ का उपभोक्ता।